औरैया जिले में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। भाग्यनगर ब्लॉक के दौलतपुर गांव में अधिकांश लोग बुखार से पीड़ित हैं। वहीं गांव में जल भराव की समस्या एवं सफाई की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। गांव में डॉक्टरों की टीम द्वारा बुखार से संभावित 25 पीड़ितों के सैंपल लिए जा रहे हैं, साथ ही 80 लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई गई। जहां मलेरिया डेंगू के टेस्ट कराए जा रहे हैं, वहीं इलाइजा डेंगू के टेस्ट के लिए कानपुर सैंपल भेजे जा रहे हैं। वहीं प्रधान द्वारा बताया गया कि 6 महीने से कोई साफ सफाई कर्मी ना होने से गांव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गांव में पानी निकासी को लेकर परेशानी बनी हुई है। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। पानी का साफ भराव, इस तालाब का पानी का निकास के लिए साफ कोई जगह नहीं है कहीं पर, और यहाँ पर जल का भराव होता है, इसके कारण साफ बहुत गंदगी और बीमारी से, मच्छरों की वजह से बीमारी से पूरा हमारा मोहल्ला परेशान है। जो रास्ता निकास था, पानी का निकास का रास्ता था, वो लोगों ने बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर कोई भी यानी कि सुनवाई नहीं हो रही है साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं। बारिश का पानी उसी भरा रहता है, निकल पाता नहीं है, बदबू आती है। हाँ साहब, बदबू भी आती है। आप चल के देखिए साहब, उस तालाब की स्थिति इतनी गंदगी है कि साहब अच्छे भले आदमी वहाँ किनारे पे खड़ा नहीं हो सकता। सफाई कर्मी अभी तक कोई नियुक्त नहीं है, जिससे बहुत गांव में गंदगी फैली हुई है, जिससे बीमारियां भी बुखार डेंगू काफ़ी बीमारी से लोग पीड़ित हैं, और जल भराव की इतनी समस्या है कि कहीं कोई भी निकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गंदगी पड़ी हुई है। सफाई कर्मी होता तो उससे सफाई पाई करवाई जाती, अब सफाई कर्मी ही नहीं है। जिससे बात करो, ADO से पूछो, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है। दौलतपुर में 6 महीने से तो कोई सफाई कर्मी है ही नहीं, बड़ी समस्या चल रही है। आपके यहाँ कितने लोग बीमार हैं? हमारे यहाँ तो पूरा गांव ही बीमार है, सब प्राइवेट अस्पतालों में दिखा रहे हैं। कोई डॉक्टर की टीम आई थी या नहीं? डॉक्टर की टीम आज आई थी तो दवाई वाई बांटी है। कितने लोगों को मिल गई दवाई? दवाई लोगों को ऐसी है 100 के आसपास, 70 के आसपास मिल चुकी है लोगों को। हमारे यहाँ हर ब्लॉक में 3-3 टीम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी 3 टीमें हैं हमारे पास, बना दी हमने। और जहाँ भी हमें सूचना मिलती है, हमारी स्वास्थ्य की पूरी टीम जाती है वहाँ। हम लोग कैंपिंग भी करते हैं, और हमारे मलेरिया डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी हैं, उनकी टीम भी जाती है, और वो वहाँ पे हमारे फॉगिंग और स्प्रे सब कुछ करा रहे हैं। साथ में घरों घरों में हमारी टीमें जा करके चेक करती हैं, कहीं रुका हुआ पानी है, इकट्ठा पानी वो भी फेंकवा करके सब लार्वा का वो करवाते हैं, नष्ट करवाते हैं। और हमारी कैंप की टीमें जा कर के जो है कैंप करती हैं, जिसमें कि सैंपल लेके हम लोग एलाइजा टेस्ट कराने के लिए डेंगू के वगैरह के लिए हम कानपुर मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, और उसके अलावा हम लोग मलेरिया की स्लाइड और दवा वितरण भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी टीमें बहुत एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, और इसके हम लोग जो है संभवतः उनसे भी, हम लोग पंचायती राज वालों से भी, हमारे जो टीमें हैं उनसे तुरंत कांटेक्ट करती हैं कि इस गांव में है तो वहाँ पे साफ़ सफाई भी, नालियों की साफ सफाई कराई जाए। क्योंकि मेन इसमें यही है कि अगर हम अपने घर के अंदर और बाहर कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई रखेंगे तभी हमारा बचाव है। पूरी वहाँ के कपड़े पहने और रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, यही सब सावधानियाँ हैं। हम चाहेंगे जो भी हमारे पत्रकार हैं, मीडिया वाले भी इस चीज़ों का प्रचार करें कि सब लोग जो है इस समय डेंगू मलेरिया और इन सब बुखार से बचने का यही उपाय है कि हम लोग जो है मच्छरों को पनपने से रोकें। मैडम भाई, हम लोग का कहना है कि टीम तो आती है पर कोई किसी सुविधा नहीं दे रही है, क्या कहना चाहिए? सारी टीम सुविधाएं हम लोग के पास, डेंगू किट भी है, मलेरिया के लिए स्लाइड भी है, सारी सुविधाएँ हैं, दवाइयाँ भी हम लोग सब पहुँचा रहे हैं। और इसके अलावा जो है सारी जगह हम लोग ने फ्लूइड और दवाइयाँ सारी CHC पे उपलब्ध करा दी गई हैं कि आप अगर कोई सीरियस मरीज है उसको ला करके एम्बुलेंस से भेज करके वहाँ भर्ती करा करके उसका उपचार करें। डेली सैंपल कितने लिए जा रहे हैं? सैंपल हम लोग 100 के ऊपर करीब सैंपल जो भेजते हैं कानपुर, और इसके अतिरिक्त हम लोग वहाँ पर भी टेस्ट करते हैं।